लीजिए। मना करना था वीडियो में। दर्द हुआ? टैटू दिखाना है? घर वाले देख लेंगे। हाँ बिल्कुल, तुम्हें कैसे पता लगी यही बनवानी है? भाई ना, कोई बात नहीं है, दोस्त है, मेरी सिस्टर है। हैप्पी बर्थडे। चलो जी, हैप्पी बर्थडे भाई आपको भी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो मेरे सारे भाई? तो भाई आज का सीन ये है, तुम्हारा भाई आया हुआ था दिल्ली, कुछ घर के काम से आया हुआ था यार, इम्पोर्टेंट। तो ऐसे कोई व्लॉग का प्लान था नहीं, मैंने कहा फटाफट से काम करके घर जाऊंगा, फिर शाम में जिम भी जाना है। तो बट इतने में क्या होता है, भाटी जी का फोन आता है। भाटी जी कहते मयंक भाई कहाँ हूँ? मैंने कहा भाई मैं दिल्ली हूँ। तो कहते मैं भी दिल्ली हूँ, तो आ जाओ मिल लेते हैं। तो मैंने कहा भाई आ जाओ, मोस्ट वेलकम। इतने में एक फ्रेंड का फोन आ गया, वो कहती कहाँ है? तो मैंने कहा यार मैं दिल्ली था। कहती मैं भी दिल्ली हूँ, आ जाओ मिल लेते हैं। तो दोनों ही दिल्ली हैं अब, तो मैंने दोनों से बोल दिया, मैंने कहा मोस्ट वेलकम आओ। तो देखते हैं पहले कौन आता है मिलने। तो मैंने सोचा यार ब्लॉग बना लिया जाए, तो अब जो भी आएगा उससे मिलवाते हैं आपको, और जो भी मस्ती होने वाली है तो भाई आगे बने रहो। और हाँ, आज हमारे त्यागी जी का बर्थडे भी है, तो शाम में त्यागी जी के बर्थडे का भी सेलिब्रेशन होने वाला, तो ये ब्लॉग एकदम धमाल होने वाला है। सबसे मिलवाऊंगा और त्यागी जी का बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे शाम में। तो जो भी होता है जैसे सब दिखाता हूँ भाई आपको। तो भाई इतने ये लोग आ रहे हैं, जरा तुम्हारे भाई ने बहुत ही बॉम्ब चीज मंगवाई है मसल प्लेस से, मसल प्लेस का हाइब्रिड जिम बैग, इतना सेक्सी है भी दिखाता हूँ तुम्हें। तो भाई इस बैग की जो स्पेशलिटीज हैं, सबसे पहले तो मैं वो बताता हूँ। सबसे अच्छी चीज जो है ये बैकपैक भी बन जाता है, अगर आपको कहीं वैसे जाना है, आप टूर पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो इसको नॉर्मल पिट्टू बैग की तरह कैरी कर सकते हो, और जिम जाने तो साइड में लटका के मस्त डफल बैग बना के जा सकते हो। प्रीमियर जिपर विद ड्यूल एक्सेस है इसमें टॉप और साइड में। उसके बाद भाई देखो साइड में यहाँ पे मैसिव बॉटल स्टोरेज है, मतलब कि कितनी बड़ी बॉटल हो जो नॉर्मल तुम एक जिम में कैरी करते हो, उससे भी थोड़ी बहुत अगर ओवरसाइज हो तो तुम आराम से कैरी कर सकते हो। उसके बाद सबसे अच्छी चीज भाई जो इसके स्ट्रैप्स हैं, कंफर्टेबल एंटी स्वेट स्ट्रैप्स हैं। अगर इसमें जैसे तुम अगर थोड़ी ज्यादा देर के लिए भी कैरी कर रहे हो, तो कोई तुम्हारा इसमें पसीने वसीने का झंझट नहीं होगा, क्योंकि होता है ना वो बाद में पसीने आने के बाद भाई स्टिंक करता, तो वो चीज बहुत बेकार लगती है, तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा। एर्गोनोमिक शोल्डर स्ट्रैप है इसमें। और सबसे अच्छी चीज भाई जो इस बैग की कैपेसिटी है वो 40 लीटर की है, ठीक है? तो मतलब अच्छा खासा इसमें तुम्हें स्पेस मिल जाता है, तुम खूब सारा सामान इसमें मस्त कैरी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्योंकि मोस्टली जिम के जो डफल बैग होते हैं उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि स्पेस कम मिलता है, अगर बड़ा ज्यादा ओवर साइज होता है तो वो बहुत अजीब लगता है। तो ये बिल्कुल मीडियम साइज है और एकदम बेस्ट साइज है भाई। और जो सबसे अच्छी बात है भाई, इसमें तुम्हें मिल जाते हैं योगा मैट होल्डर स्ट्रैप, जैसे कि तुम्हें यहाँ पे दिख रहे होंगे भाई। कोई इशू नहीं अगर तुम जिम में एक्स्ट्रा अपने घर से योगा मैट्स लेके जा रहे हो, तो इसमें उसके लिए भी जगह दे रखी है। उन स्ट्रैप्स में इनको होल्ड करो और मस्त लेके जाओ, कोई अंदर डालने का टेंशन नहीं, भारी बार से होल्ड करो और एकदम मस्त लेके जाओ। और भाई सबसे चीज मुझे इस बैग की जो लगी, वो मेरे को ये लगी कि मतलब इतना प्यारा कलर ना, ब्लैक और येलो, मतलब जो ब्लैक पे जो येलो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है भाई, एक नंबर लग रहा है, बहुत डिसेंट कलर है। और किसी भी मेरे भाई को ये जिम बैग लेना हो, जिम बैग मसल प्लेस का हाइब्रिड जिम बैग, तो भाई मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, वहां जाके इसको बाय कर लो। कोई ज्यादा महंगा प्रोडक्ट नहीं है, कोई मतलब किसी भी ब्रांड का लोगे तो मैं कह रहा हूँ, अगर लोकल से लोकल ब्रांड होता है तो अगर 1000 रुपए से कम का तो जिम बैग तुम्हें कहीं मिलेगा, अगर तुम्हें लोकल से लोकल ब्रांड का भी चाहिए तो जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है, जाके बाय कर लो। और हाँ, मेरा डिस्काउंट, मेरा कूपन कोड लगाना मत भूलना, Mayank30 टू गेट बेटर एंड बेस्ट डिस्काउंट। तो चलते हैं फटाफट से। तो भाई फाइनली मानवी आ गई, और नकुल भाई कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। तो भाई हम जाते रहे थे कुछ खाने पीने, बट सडन प्लान हो गया, तो इन्होंने कहा, इन्होंने वीडियो देखी थी कि जो थेरेपी करवाई थी, तो इन्होंने बोला कि मेरे को डॉक्टर पीयूष के पास ले चलो, और मैं भी थोड़ी बहुत कायरोप्रैक्टिक अपनी करवा लेती हूँ। तो अब हम जा रहे हैं डॉक्टर पीयूष जैन के पास, पहले फटाफट से 10-15 मिनट में इनकी थेरेपी कराते हैं। कायरोप्रैक्टिक वो होती है ना, खट 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 खट, ठीक है? तो वो करवाने, यस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होती है, बाकी तो वही बताएंगे डिटेल में, तो वही करवाने जा रहे हैं। तो उसके बाद जो भी होता है भाई दिखाता हूँ। तो भाई थेरेपी वेरेपी तो होती रहेगी, पहले हमने मंगाई है रेडबुल, ध्यान है, ब्रिटानिया के एक ब्रिटानिया के एक मंगाया, पहले कुछ खाया पिया जाए। और भाटी जी का फोन आया था, तो भाटी जी अभी कह रहे थे मयंक भाई थोड़ा टाइम लगेगा मुझे आने में, तो मैंने कहा भाई ठीक है जब आना हूँ आना, इतने हम कुछ खाए पिए और थेरेपी स्टार्ट कर। और भाई जो उसकी एंट्री थी ना, जो ये ब्लिंकिट करके आया था, इतनी खतरनाक एंट्री थी, बस ये मान लो इतने इतने से गाड़ी से पहले ब्रेक मारे, अगर विद इन अ सेकंड, कहता रहा हूँ सेकंड का भी फर्क होता तो गाड़ी के अंदर ही देता मुझे डिलीवरी वो। तो भाई चलते हैं फटाफट से रेडबुल पी के थेरेपी कराते हैं, बहुत बातें हो गई, उसके बाद मैडम को देखते हैं आज कैसे। हाँ जेनवन, तो हम तो चले ना अपना काम करें, ठीक है? और उसके बाद थेरेपी में दिखाता हूँ कैसे कैसे मुंह बनेंगे आज कायरोप्रैक्टिक में। इनके दिमाग में मिथ है कि उसमें दर्द नहीं होता, और उसमें बहुत दर्द होता है। ऐसा ही होगा, सच में होगा।
नहीं होगा, नहीं होगा। तो भाई फाइनल नीचे आ गए क्लिनिक में। अरे वाईफाई ले लो। और हमारे भाजी भाजी एक मत दो, बाकी सब तो ठीक है। मनु मत करना, बाल भी कटवा लेंगे। ये बालों क्या करवा का है? कटवा रखे ने थोड़े, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी नहीं, बहुत बड़ा राज है। क्या है बताओ? अरे अधिकारी पकड़ ले हैं, तो बड़े बड़े बालों में ऐसे बाल है भाई जैसे, भाई जैसे। हाँ अब टोपी भी नहीं लगा पा रहा है। अब एक दिन एक नगे में अभी तक कटवा ले, ये नौकरी कटवा ले, इन्हें कटवा लेता हूँ मैं। अब प्रिपरेशन कैसे चल रही है? बड़े चल रही है भाई, बड़े चल रही है। बाकी बाकी मैं हुई तुम्हारे साथ डाइट बताने के लिए। हाँ वो आप मुझे गाइड करते हो हैवी कैसे ना भाई। तुम वीडियो नहीं देखी क्या मेरी लास्ट वाली? मैंने देखी है, कितनी तगड़ी वीडियो बनाई है, है ना बढ़िया। आप आपको सबको पता ही है मैं कौन हूँ, उनके चैनल में बता चुका हूँ। तो भाई मानवी का भी चैनल है, मानवी किस नाम से? मानवी राठौर फिट ब्लॉग्स। अभी थोड़ा सा आलस आया हुआ है कि बहुत कम कम ब्लॉग चल रहे हैं, बट अब कहने वाली कि वो जल्दी जल्दी डाल दूँ, ठीक है। हाँ। अब डेली एक ब्लॉग आएगा, पक्का? तो भाई इतने ही भाई सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और भाई आप बताओ, वो भाई का टैटू काम बहुत तगड़ा, मुझे तो अब पता चल गया है। मुझे अपने फादर साहब के यहाँ पे वो बनवानी है पोर्ट्रेट। हाँ बिल्कुल, तुम्हें कैसे पता लगी यही बनवानी है? सुनो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मेरे पास स्क्रीन शॉट है उसके। तो भाई भाई का टैटू काम मेरे को इन्हें ज्यादा प्रचार करिए भैया। तो भाई अब मैं भाई से एकदम गहरी दोस्ती बढ़ाने वाला हूँ। और भी ठीक है, एक तो भेजा था मैंने, एक ने तो 50,000 रुपये मांगा चंडीगढ़ में, बहुत फेमस लड़की है वो, नाम नहीं बताऊंगा। तुम भी जाओ ना, उस फेमस है भाई, कोई फेमस नहीं है वो। जब मुझसे 50,000 मांग लिए, 40,000 मांगे उसने, 10,000 आने जाने के, ये खुद ही बना लेंगे, फोन खच्चर कर देंगे। हमने कैंसिल कर दिया। फिर दिल्ली में एक भाई से बात हुई, उसने बहुत कम बताए, पर अभी एक भाई और मिले हैं टैटू वाले, नाम बताओ भाई। नकुल छाबड़ा, नकुल टैटू वाले, इनसे बात चल रही है हमारी। नकुल टैटू N3 वही हम कर रहे हैं। अब तुम्हारा नॉटी निडल कहीं चल सकती है, कोई दिक्कत ना, पूरा शरीर तुम्हारा है। तुम, हाँ, पूरा पूरा कहीं भी चला दे कुछ भी, पर बनाना जरूर। आपका जो पोर्ट्रेट है ना, मतलब जो हमारा ये आपका बेटा है, ये आपका बेटा है, कितना पोर्ट्रेट उनका स्टाइल है, तो ये आपका हो जाएगा। मतलब देखिए 40-50 जोड़ दिया था, ये नहीं 15-20 के बीच कहीं होगा। ये जो मेरा भाई नहीं होगा काम, तेरी किस्म बनवाना मुझे ऐसे अपने फादर साहब का। तो कब मानो डेट फिक्स? इंस्टाग्राम पे तो होंगे। हाँ टैटू स्टूडियो लिख देना, या फिर टैटूज बाय अभिषेक। मैं तो कमजोर हूँ पढ़ाई लिखाई, तो डाल ना पाऊँ तो कुलदीप भाटी 11-25 डाल देना। एक आईडी रेडी नेट आएगा। हाँ हाँ अभी मैं तुम बाहर ही चल रहे हैं, तो वापस में एक्सचेंज कर ले, क्योंकि एकदम नंबर एक्सचेंज करना तो ज्यादा चाहिए यार दोस्त, वो कर लेते हैं। बस 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 ये आदमी बाज नहीं आ रहा। यहाँ भी देखो बेचारी लड़की से जबरदस्ती फॉलो करवाया, दिखाना भाई मेरे घर की माँ बहन लंडन गर्ल वीडियो बनाएगा, माँ सब को रोक दो अमर भगवान। ये सिस्टर है अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। और मयंक भाई की सिस्टर, मेरी सिस्टर, भाई की सिस्टर, तुम सिस्टर भाई ना, कोई बात नहीं है, दोस्त है मेरी सिस्टर है। हाँ ठीक है, चेस्ट कितनी अच्छी आ रही है, कर दिया वो लो भाई। ये आदमी लास्ट ब्लॉग में दिखाया था, ये इस आदमी का ना ये फॉलो वाली दिक्कत है, कहीं भी जाएंगे अपनी आईडी खोल के बैठ जाते हैं। नहीं भाई से टैटू बनवाना है, इसलिए थोड़ा सा एक्सचेंज करा हमने, ठीक है ना भाई, चेक कर लिया। अब भाई आदमी बनवाएगा पोर्ट्रेट, भाई कितने रुपए बताया तुमने? 15-20,000 के बीच में। शायद हो सकता है मैं भी अपनी यूट्यूब की कहानी वहाँ से स्टार्ट करूँ। अच्छा फेल हो भाई, भाई का भी चैनल आने वाला है, फेल हो सब यूट्यूबर बनेंगे, तो घंटा यूट्यूबर बनेंगे। और हाँ जो है उसे तो दिखाई सकते हैं अपने अंदर, बिल्कुल। फाइनली आ गए डॉक्टर सर, पीयूष भैया के पास। डॉक्टर तो मेरे को बोलने में बहुत अजीब लगता है कि अब घर वाले टर्म्स हो गए हैं। तो अब जैसा ये मान लो कि महीने में अगर एक बार पीयूष भैया की शक्ल नहीं देखते ना, तो मजा सा नहीं आता। तो कैसे हो पीयूष भैया?
बढ़िया जी बढ़िया, कैसे बड़े बस बढ़िया। तो अब थोड़ा सा देखो जरा वर्कआउट करते हैं ये, तो इनको ये था कि जनरल जो स्टिफनेस के लिए वो थेरेपी करवानी थी, तो अब बताओ क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए जो बेस्ट हो। अलाइनमेंट कर देंगे, अलाइनमेंट से बॉडी थोड़ी फ्री हो जाएगी, तो उसके बाद वर्कआउट में भी ना, और जैसे डंबल्स वगैरह जो भी करोगे तो वो बॉडी फ्री लगेगा करने में, और जरूरत लगी उसके बाद कुछ कपिंग या स्ट्रेचिंग की तो वो कर लेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी अलाइनमेंट से ना, बोन्स थोड़ी फ्री हो जाती है, तो उसके बाद मसल्स का और अच्छा वर्कआउट आता है। तो चलो भाई कर लेते हैं, जो बता रहे हैं सही बता रहे होंगे। तो रेडी हो? दर्द बहुत होने वाला है, तब से मैं बिचारी को डराया जा रहा हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, दर्द वर्द कुछ भी नहीं होता, कभी तुम सोचो। बाकी जेन्युइन रिव्यू बताना बाद में, दर्द हुआ नहीं भाई, इतना आलस देख रहे हो, इसका भी चैनल है तो कह रही कि मेरे बस की तो है नहीं, तो मैं यही क्लिप्स काट काट के अपने में लगा दूंगा, ठीक है लगा दूंगा, डन, कोई मेहनत नहीं करनी किसी को। तो भाई करें चलो, हमारे बेचारे भोले से भाई को पहले ही वो मिल गया है अल्टीमेटम, कह रहे कि ऐसी रील बने होगी मैं अच्छी आनी चाहिए। अब रेडी हुआ? मना करना था वीडियो में, दर्द हुआ? कैसा लग रहा है घर? ऐसे ऐसे नजर है वो, बढ़िया लग रहा है। वो आ रहा है फील मुझे, यहाँ हो रहा है। जिम और बॉडी करना आसान नहीं है, वरना अभी कहेगी अब तो ऐसे डंबल भी ऐसे लग रहे हैं हल्के हल्के। जेन्युइन रिव्यू देना है अब तुम जाके मम्मी की घर सारी बन रही है। हाँ ठीक, मेरे में चोरी होने वाली है क्या ये सारी? नहीं, ये फिर YouTube पे कहाँ जाएगी? वही तो कह रहा हूँ, चोरी होने वाली। टैटू दिख रहा है? टैटू दिखाना है? नहीं, घर वाले देख लेंगे। अभी 360 घुमा दो गर्दन। सीधा पीछे देख ले। आप देख लो जो फंक्शन में भी जाना है। उसमें दोनों हाथ आपको घर लेके जाने हैं अपने हाथ पकड़ के। ये कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सारे के सारे जॉइंट्स सारे फ्री हो गए, फुल फ्लेक्सिबल हो गए, कैसे जाएगी घर ये? अभी नेक्स्ट स्प्लिट करते ही घर जाएगी। अब ये तो वैसे बेसिकली कोई भी करा सकता है ना, ज्यादा था ना लंबा में इनकी कमर वाला जो दिखा था फटक कर टूटा था, वो उसकी स्पीड में ज्यादा थी जो वो कर देंगे ना, उसके उसके एक्सप्रेशन ही बहुत अच्छे थे उसमें। डेडलिफ्ट वगैरह ये कुछ करती हो? मैं डेडलिफ्ट करती हूं लेकिन अभी ज्यादा वेट के साथ नहीं करती हूं। तो अब जो भी वेट्स वगैरह का करोगे ना तो जॉइंट्स फ्रीली आराम से मूव कर पाएंगे, मसल भी आराम से मूव कर पाएंगे, तो उतनी दिक्कत नहीं होगी। स्टिफनेस जो रहती है ना वो जॉइंट्स के अंदर वो फ्री हो चुकी है, तो उतनी दिक्कत नहीं है ना। जिम स्टार्ट करूंगा ना फिर से, तुम नाम वगैरह। और सुनो, टैटू करवाना हो तो भाई का काम है। अच्छा हाँ, मैं तो पक्की दोस्ती कर ली भाई से। बढ़िया बढ़िया, तो भाई तो
आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अभी थोड़ी करना है, अभी तो बढ़ाना है मुझे आगे। अभी तो मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करने जाना है। किसका? दोस्त का, बताया था जाएगा। तो अब सही भी काफी अच्छी हो गई, मजे आ गए हैं। बिस्को भाई देखो, टू व्यू ना स्टार्टिंग में बहुत डर लग रहा था, कह रही थी कि मेरे को डर लग रहा है करवाऊं ना करवाऊं करवाऊं, बट मिला ना रिलीफ। तो भाई बहुत जल्दी बाकी है, अभी जब दिल्ली मेरा आने जाना चक्कर लगेगा तो मानवी के साथ लोग आएंगे वर्कआउट के। ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, बता दो क्या है, मानवी एक साथ हो। ठीक है भाई, तो कर लेना, कर दूंगा, अब डाल दूंगा ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दूंगा भाई। ठीक है, कर लेना फॉलो, तो मुझे पता लड़की को तो तुम करोगे क्या, करना बस नीचे लिख देना, वो तो अपने आप ढूंढ लेंगे, लड़की को तो अपने आप ढूंढ करेंगे। ठीक है भाई, तो बाकी अब न्यू जिम पार्टनर, तो जल्दी जल्दी वर्कआउट व्लॉग्स आएंगे। ठीक है, और बाकी अभी जा रहे हैं हमें छोड़ के, क्योंकि आगे प्लान तो था हमारा घूमने फिरने, बट हुआ क्या, कहीं इनॉग्रेशन में जाना है घर के, तो वहां से बहुत देर से कॉल आ रहा था, मैं कहा चलो किसी और दिन प्लान कर लेंगे हम, तो अभी इनको बाय बाय करते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय। बाय बाय। A few moments later. किसके व्यू कम है? मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा। हाय यूट्यूब जर्नी किसकी शुरू होती, खत्म हो गई? तो भाई अब थोड़ा सा प्लान में डिले, जैसे कि हम त्यागी के बर्थडे में जा रहे थे केक कट कराने, त्यागी जी कहीं फंस गए ट्रैफिक में। तो भाई त्यागी जी कहीं ट्रैफिक में फंस गए, त्यागी जी कह रहे भाई मुझे बच जाएंगे 12:00। तो मैंने कहा भाई अब फिर रात में 1-2 बजे चलेंगे केक काटने, यहाँ पूरी टीम रेडी थी, भाटी जी अभिषेक भाई, फिर अपना काम करो। भाई ये देखो स्कूटी पे लाया हूं, कैसे लाया केक, और संघर्ष देख रहे हो, और जो कहां है दिख रहा है कुछ, दिख रहा है, गाड़ी दिख रही है, अभी केक भी देखेंगे भाई, देखो कैसा है केक यहाँ रखा, अरे टेप से बांध, टेप से बांध के उसे फॉर्च्यूनर को ले जाते हैं भाई, रियल संघर्ष करो आप। तो भाई अब भाटी जी तो निकल रहे हैं, भाटी जी का ड्यूटी है इस चक्कर में, हम भी 2-3 घंटे अब सोए, 12:00 बजे चले उसे केक कटवाने, और पता नहीं आज ना बड़े शांत तो बड़े एनर्जेटिक थे, डॉक्टर साहब के वहाँ गए एनर्जी से सोत ली उन्होंने, पता नहीं क्या हुआ है, बस सारे ऐसे हो रहे हैं ना, व्लॉग बनाने का मन कर रहा, बड़े थके थके से हो रहे हैं, एनर्जी डाउन हो रही है सच में ना। भाटी जी को तो हेल्प जिंदा रखा है मैंने, चार पांच हेल्प पी गए और दो बोन 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 के बिस्कुट ब्रेड खा गए, फिर भी एनर्जी नहीं आ रही, पता ना क्या हो रहा भाई। अब बेबी तो मांग रहे टेढ़ा मेढ़ा खा गए, मैं नहीं खाता, ये तो ये खाते हैं, बताओ टेढ़ा मेढ़ा मंगाया जब से दुबका रखा है, घर जा खाएंगे चोरी चोरी लो, देख के कुछ छीन ना, मैं सब नहीं खाता भाई, मंगाया किसने थे तुमने, मैं तो सॉल्टेड पीनट्स खाता हूं। यस, तो भाटी जी प्रोटीन लेते हैं। हां जी, एक्चुअली आई एम ऑन स्ट्रिक्ट डाइट, हाई फाइबर्स, जैसे इन्होंने सुबह से 3 बार ब्रोकली खा चुके हैं, और सीरियस हो शाम से, सीरियस नहीं हो पाऊंगा। नहीं भाई देखो डिग्गी खोल दे यार, ये क्या हो गया, थोड़ी देर की बात, भाई महंगी चीज है हाथ में रख भैया, बिग मसल का भाई का स्ट्रैक, अरे मसल सॉरी मसल ब्लेज, मसल ब्लेज कौन सा है, चलो हमने मौलिक जिद दिए हम, नहीं कौन सा ब्रांड है, मसल ब्लेज, ब्लेज भाई मैं ब्लेज ही बोलूं क्योंकि मैं विलेज से हूँ, क्या कर रहे हो, कौन सी पोजीशन ले रहे हो, अरे यार। तो भाई अब बाटी जी भी जा रहे हैं, 1-2 घंटा सोते हैं, उसके बाद 1-2 बजे जाएंगे उसको केक कटवाने, तब मिलता हूँ, नींद पूरी करना। नेक्स्ट ब्लॉग भाई का जो सबसे बढ़िया बेहतरीन आने वाला है वो आएगा भाई जब अपने गाँव आएंगे, पक्का डन, जो की बागपत में है भाई का गाँव बड़ौद के पास, उस दिन हम पूरा फ्री रहेंगे, मैं छुट्टी कर लेंगे, सब प्रभात सब चलेंगे, और वहाँ पास में ही देखो मुरथल भी है तुम्हारे गांव के, हाँ, बगल में ही डन, वहाँ चलेंगे पूरी मस्ती बनाएंगे और जल्दी बनाएंगे वाला व्लॉग, नहीं सुबह ही निकल लेंगे, पहले गांव चलेंगे उसके बाद मुरथल, और एक ट्रिप बना रहे हैं हम बाहर की, बाहर का बना रहे हैं, शायद हम जाएंगे हिमाचल, क्योंकि अभी आप यूके तो होके आए हो, बर्थडे बॉय, हाय बर्थडे बॉय, पेन क्या कार्टून नेटवर्क, ये बंद ना हो, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे ब्रो, आपको भी भाई, अबे इसका चल गया भाई, तेरा दिमाग चल गया, तू सुन तेरे नशे की टूट रहे गाइस, ओए चश्मे पे आ गया तो, चश्मे में आ गए आप तो, त्यागी जी तुम अब बुला ले ना, बुला बाहर तो बुला ले, हम बाहर तो बुला ले, क्या देगा इसे बाहर धागे, बता बुलाता हूँ, 500 2-1 हैप्पी बर्थडे, अरे 12 तो बजे ना, ओ बज गए भाई, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे ब्रो,
अब कह रहे सेम टू यू. डंडी डंडी चलो. केक भी कटवाना है उसे. चलो उठा उठा वहां छोटा. हैप्पी बर्थडे. चलो चलो हैप्पी बर्थडे भाई आपको भी. आपको भी.